कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग अपनी फोटोज़, वीडियोस, कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर म्यूज़िक या फिर कोई भी फाइल हाइड करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी एक अच्छा और सिक्योर ऐप नहीं मिलता है जिसमें कि हम अपनी जो भी फाइल्स है उसे हाइड कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आज एक ऐसे ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आप अपना जो भी फोटो या फिर वीडियो या फिर जो भी ये फाइल उसे अगर हाइड करना चाहते हैं उसका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो ऐप है ये गूगल का है, इस वजह से प्राइवेसी और जो सिक्योरनेस को लेकर टेंशन होती है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये ऐप सिक्योर है। तो इस वीडियो में मैं आपको हाइड करके भी दिखाऊंगा, अनहाइड करके भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी किसी फ़ोटो, ऑडियो या फिर वीडियो को हाइड कर सकते हैं, वो भी गूगल फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके लिए आपको ब्राउज फीचर्स में आना है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जब आप स्वाइप करेंगे कलेक्शन में आपको सेव फोल्डर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेव फोल्डर पर आप जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर आपको पिन और पैटर्न सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो उसमें मैंने पिन सेलेक्ट कर लिया है, आप पैटर्न भी कर सकते हैं। और ये अगर आप जो पिन या फिर पैटर्न डालते हैं इसको अगर आप भूल गए तो आपका जो भी डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और अभी आप देखिए कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से पैक कर दिया है। और सेव फोल्डर में हाइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटोज़ या फिर इमेजेस, कोई भी चीज़ जो भी है उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर देर तक टैप करके ऊपर जो थ्री आइकन से उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे मूव टू सेव फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और जैसे ये पासवर्ड आप इसमें डालते हैं उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, आपकी जो फाइल है, फ़ोटो है या फिर ऑडियो या फिर कुछ भी है फाइल, वो हाइड हो जाएगी। तो सेव फोल्डर में मैं आके आपको दिखाता हूँ, पासवर्ड हम लोगों को हर बार डालना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए वो फोटो यहाँ पे हाइड हो चुकी है और इसको आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके अनहाइड या फिर परमानेंट डिलीट या फिर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और मैं अब आपको वीडियो भी हाइड करके इसमें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये वीडियो है इसको मैं हाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो मूव टू सेव फोल्डर जैसे मैं करूँगा मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो हमारी फाइल है, जो वीडियो फाइल है, वो हाइड हो जाएगी। तो ये गूगल का है फाइल्स एप्लीकेशन, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। तो सेफ और सिक्योर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए ऑडियो भी मैं यहाँ पे हाइड करके आपको दिखाऊंगा, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर जो भी हैं अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली हाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सेव फोल्डर में जाके अपनी जो भी फाइल है उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा या फिर आपको सजेशन उसके बारे में दे दूंगा। थैंक यू।